अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने के लिए, इट डील्स इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स, कि उस वक्त काम करेगा जब नेट फोर्स कोई ना कोई एक्ट कर रही होगी बॉडी के ऊपर। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी है फुटबॉल, इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है राइट साइड पे F1 फोर्स है, तो क्या होगा, ये राइट साइड पे बॉडी मूव कर जाएगी। फोर्स का आपको पता है, फोर्स अगर हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो मोशन की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब लेट्स सपोज उसी के ऊपर लेफ्ट साइड पे F2 फोर्स एक्ट कर रही है, F1 राइट साइड पे, F2 लेफ्ट साइड पे, अगर तो दोनों की हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी मूव उसी सूरत में करेगी जब किसी एक डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही होगी, तो इस केस में नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी। इसके लिए नेट फोर्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही हैं F1 F2, उन दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम होगी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। इफेक्ट कैंसिल आउट होने की वजह से बॉडी मूव नहीं करेगी। अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the force. मतलब कि जब हमने F1 अप्लाई की थी फोर्स, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव की थी, मोशन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड पार्ट इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, कि हम जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसके एक्सेलरेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी हमारे पास उतनी ज़्यादा फास्टली बॉडी मूव करेगी। तो ये आपको क्लियर है यहाँ से, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स, कि ज़्यादा फोर्स लगेगी तो हमारे पास बॉडी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फोर्स हम कम लगाएंगे तो ऑब्वियसली बॉडी स्लोली मूव करेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मैस, अब आपको देखिए मैस और एक्सेलरेशन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर इसका जो हमारे पास मैस है वो कम होगा, एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। अगर इसका मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और ये बॉडी स्लोली मूव करेगी। अब हम यहाँ से इस रिलेशन से देख सकते हैं कि फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेशन बनता है। फोर्स लगाने से हमारे पास बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि फोर्स लगाने से डायरेक्टली बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में हमें इसकी स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत है, कि इसमें हमें स्टेटमेंट में जो कहा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। अब जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है वही है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, और एक्सेलरेशन हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फिर हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह करके, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। एम इस साइड पे डिवाइड होगा, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है इक्वल और सॉ कॉन्स्टेंट, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम ए। जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं फोर्स की, एम की और ए की, तो हमारे पास जो के की वैल्यू का आंसर आता है वो आता है 1। तो 1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू हमारे पास एम ए होगा। तो इसका हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन। फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन, कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करते हैं। इसके यूनिट को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। इसका मतलब है अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें जिसका मास कितना हो 1 kg, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है हमारे पास इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स, फोर्स के यूनिट क्या हमारे पास न्यूटन,
इक्वल टू एम, एम का यूनिट क्या होता है हमारे पास के जी, इंटू एक्सेलरेशन, इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 के जी मल्टीप्लाई बाय 1 एम एस माइनस 2। तो ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन का। अगर आपको कोई इसमें बात नहीं समझ आती तो ये चैनल लिखा हुआ है एम साइंस अकेडमी, और आप कॉन्टेक्ट करके इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बुक मैस एंड वेट, उसका जो क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।